कोतवाली टीआई विकास कपीस के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जिले की भवती पेट्रोल पंप के पीछे पहाड़ी पर चल रहे जुए की फड़ पर दबिश देकर 6 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे 33,000 रुपए जब्त कर जुआ एक्ट में कार्रवाई की गई है। दरअसल जिला पुलिस कप्तान दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में जिले भर में अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी विकास कपीस के नेतृत्व में थाना पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर जिले के भवती पेट्रोल पंप के पीछे पहाड़ी पर चल रहे जुए पर दबिश दी, जहां से 6 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ उनके विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट में कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस ने जुआ खेल रहे लोगों से 33,200 रुपए जब्त किए हैं। टीआई विकास कपिस ने बताया कि एसपी दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में सट्टा जुआ पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। जी, जैसा कि हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा सभी थाना प्रभारी को निर्देशित कर रखा है कि जिले में जितने भी अवैध जुए और सट्टे संचालित हो रहे हैं उन पर पूर्ण रूप से और प्रभावी कार्रवाई कठोर कार्रवाई करें। इसी के पालन में हम लोगों को आज मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि ग्राम भवती पेट्रोल पंप के पीछे की जो पहाड़ी है वहाँ पर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। हम लोगों ने पुलिस थाना कोतवाली की एक टीम तैयार की और हम लोगों ने वहाँ पर पकड़ा और कुल 6 लोगों को रंगे हाथ जुआ खेलते पकड़ा। इनके पास से हम लोगों को ताश के 52 पत्ते और कुल 33,200 रुपये मिले हैं, जिन्हें हमने जब्ती में लिया है। इन लोगों के विरुद्ध हम लोगों ने 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसे न्यायालय पेश किया जाएगा। सर, कौन कौन व्यक्ति जुआ है? इसमें कुल 6 आरोपी हैं, जिसमें इनके नाम ओंकार दिलीप शेरू और संतोष इरशाद मंसूरी सुनील निर्गुड़े हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आगामी भी चालू रहेगी इस प्रकार की कार्रवाई? हाँ, जैसा कि बड़वानी जिले में सूचनाएं मिल रही है कि जुआ और सट्टा जहाँ पर चल रहा है, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि पूरा जुआ और सट्टा यहाँ पर हम लोग प्रभावी कार्रवाई करके पूरी तरह से समूल नष्ट कर दें।